निजी एम्बुलेंस चालकों ने नागौर कलेक्टरेट के बाहर अपनी गाड़ियों से रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर एक ठेकेदार को ही सारा काम देने का विरोध जताया। ज्ञापन में बताया कि पिछले करीब 20 से 30 साल से नागौर शहर के जेएलएन अस्पताल में निजी एम्बुलेंस चालक अपना कार्य सुचारू रूप से करते आ रहे हैं। कोरोना काल में भी अच्छी सेवा प्रदान की थी। हाल ही में नागौर पीएमओ कार्यालय से मिलीभगत कर बीकानेर के ठेकेदार ने अपने नाम से ठेका करवा लिया है, जिससे हम नागौर के समस्त एम्बुलेंस चालक बेरोजगार हो गए हैं। आर्थिक नुकसान उठाना व घर चलाना मुश्किल हो गया है। किस्त भी जमा नहीं करवा पा रहे। उन्होंने बताया कि उनके सभी वाहन अच्छी कंडीशन में है, जबकि ठेकेदार ने मिली भगत कर अपने पुराने मॉडल को ही अप्रूव करवाया है। टेंडर के अनुसार 2017 मॉडल के ऊपर की एम्बुलेंस लगानी थी। पहले एम्बुलेंस चालक प्रसूता को पहुंचाने जाते थे तो पेमेंट उनके खाते में आता था। अब ठेका हो जाने से पेमेंट सीधा ही ठेकेदार के पास आएगा। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। अगर ठेका देना ही था तो स्थानीय एम्बुलेंस चालकों को वरीयता के आधार पर देते, जिससे स्थानीय एम्बुलेंस चालकों को रोजगार आसानी से उपलब्ध होता। ज्ञापन में आरोप लगाया कि जेएसवाई योजना वर्ष 2010 में चालू हुई थी, जिसमें पीएमओ से सीधा एम्बुलेंस चालकों को भुगतान किया जाता था। ज्ञापन में आरोप लगाया कि टेंडर आगे किसी व्यक्ति को सबलेट नहीं किया जा सकता, फिर भी पीएमओ कर्मचारी व ठेकेदार की मिलीभगत से टेंडर को आगे सबलेट कर दिया गया। ज्ञापन में एम्बुलेंस ठेके को निरस्त करने की मांग रखी। वहीं घर की महिलाएं व बच्चे भी साथ रहे। महिलाएं का कहना है कि जब एम्बुलेंस बंद है तो हम घर चलाएंगे। एम्बुलेंस का धंधा है, मके तो यही बंद हो गया। जब अब खावा खाई में चार चार पांच पांच चला दे, मैंने क्या पाना। अब रोटी रोटी करे बैठा बन तो नहीं एम्बुलेंस की किस्त भरी जे मको जो अब मके सुनो मांगिया पूरी करो। हाँ चाटे बैठा धंधो दिए ही बस। बोलो बोलो का ठेका।
है, बाहर कोई बीकानेर का ठेकेदार है उसको दे दिया गया है। हमारे जितने भी एम्बुलेंस चालक है और हम लोग है, हमारे मेन ये एम्बुलेंस का ही धंधा था। मतलब जब गाड़ी की इस एम्बुलेंस की कमाई आती थी उससे ही हमारा घर खर्चा चलता था। वही जब काम हमारा बंद हो गया है तो हमारा परिवार खाने के लिए तरस गया है और एक महीने से बेरोजगार बैठे हैं। गाड़ी की किस्त भी भरनी बाकी, गाड़ी भी किस्त भरनी भी भारी पड़ रही है हम लोगों के लिए। दूसरों से अब 100-500 कब तक लेके आए। इसलिए 10 दिन से जेएनएल अस्पताल के बाहर इन्होंने धरना दे रखा है, उसमें हमारी कोई भी प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आज हम लोग परिवार सहित मजबूर हो गए हैं कि इसमें आने के लिए, तो पूरे परिवार सहित बच्चे और घर की मतलब जितनी भी औरतें हैं आज हम प्रशासन के यहाँ पे मतलब आके बैठे हैं और हम यहीं पे रहेंगे। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमें एक ही परेशानी है कि ये ठेका निरस्त कर दिया जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी आपने अभी झोड़ भी हुआ था, क्या कारण तो झोड़ हुआ तो उसमें सर हमने मतलब जिस दिन झोड़ हुआ था उससे 3 दिन पहले हमने पुलिस में रिपोर्ट भी दी थी कि ये हमें परेशान कर रहे हैं, दारू पी के रात को आते हैं और कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं। इसलिए हमने ये भी बोला था वहाँ पे सीसी कैमरे लगाए हुए हैं, आप चेक कर लीजिए, हम गलत हैं तो हमें सजा दीजिए और वो गलत है उनको सजा दीजिए। फिर भी हमारे को एक रात रखा गया, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई न्याय दिलाने वाला अभी तक तो प्रोग्राम चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा मालूम नहीं। कोरोना काल में, और कोरोना काल में भी हमने बहुत सहयोग दिया था और इस ठेके से सभी को हानि है, पेशेंटों को हानि है, हमें हानि है, हमारे परिवार को हानि है। अब इस ठेके से एक इंसान को फायदा है, उसके अलावा हम 35-40 भाई है, हमारे परिवार है, कम से कम हमारे 2000 हमारे घर वाले हैं, सभी को नुकसान है। तभी आज ये खाना भी कहाँ से खाई, क्यों हमारा धंधा है जो बंद हो रखा है, इसके कारण हम सभी हो रखे हैं, बेरोजगार हो रखे हैं। जी आपका नाम? जी मनोज गोयल। ऐसा है कि हमारे एम्बुलेंस चालक निधि आज 15-20 साल से जिला प्रशासन अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं और कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं की है। जो आज प्राइवेट एक निजी ठेकेदार को एम्बुलेंस ठेका दे दिया गया है, उसके कारण से आज पूरे एम्बुलेंस चालक आज दाने दाने का मोहताज हो रहा है। और हमने जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है, ADM साहब को भी ज्ञापन दिया है, सांसद साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। उसके कारण से हमने 10 दिन से हम जिला अस्पताल, राजकीय अस्पताल के सामने धरने पर बैठे हैं, लेकिन हमारी कोई जन सुनवाई नहीं हो रही है, न कोई सुनवाई हो रही है। आगे सोचे अगर आज हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम आज से भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। और पूछ लो की बजट है, पूछ लो मैं जवाब दे, लड़े वाले पूछ लो बस भेड़ों भेड़। हाँ मैं जवाब वहाँ पे ये बात जी बताइए कि क्या मामला है जी, वहाँ पे क्या हुआ जी। हम 10 दिनों से हड़ताल पे, अनिश्चितकाल से हड़ताल पे बैठे थे। जो निजी ठेकेदार का जो ठेका है उसने आगे सबमिट किया हुआ, वो ठेकेदार रात को शराब के नशे में आके गाली गलौज या उत्तेजित कर रहे थे, तो हमने उनको समझाया था। उसके नाम जब हमने 19 तारीख को हमने कोतवाली थाने में रिपोर्ट भी दे रखी थी, फिर भी उन्होंने 3-4 दिन से रोज तंग कर रहे थे एम्बुलेंस चालकों को, गाली गलौज और गाड़ियों को अवैध तरीके से वहाँ राउंड काट रहे थे। हमने सबूत सहित एविडेंस होके भी हमने कानून कोतवाली थाने में दे रखी थी, फिर भी नहीं माने तो फिर वो उन्होंने गाली गलौज करके फिर वो झगड़ा हो गया था। हमारा एम्बुलेंस का धंधा है, 10 दिन से बंद पड़ा है, अभी नहीं सुनवाई करोगे तो हम नाके पे जाके सारी बंद कर देंगे, ट्रैफिक सारी रोक देंगे, फिर अपना आप धंधा खुलेगा। घर में खाने को नहीं है, बच्चे रो रहे खाने के लिए, तो हम रोड पे जा रहे हैं, या तो कोई आ जाओ, नहीं तो हम रोड पे जाके सारी नाकाबंदी करके रोक रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इतने दिन से बैठे हैं घर पे, अब हम जाके ट्रैफिक जाम करेंगे जब आप सब लोग आओगे बाहर। ठीक है, हाँ जी बताइए क्या है मामला क्या है? आज 5-6 दिन से लगातार निजी एम्बुलेंस संचालकों का पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय के सामने धरना चल रहा है। एक ठेकेदार की हठधर्मिता के कारण 40-50 परिवार आज लगभग 3 दिन से भूखे सो रहे हैं और इंदिरा रसोई में भोजन खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लालन पोषण के लिए जब पति घर के बाहर जाकर कमा कर लाता है तब इनको खाना मिलता है, लेकिन आज ये लोग
अपनी कमाई के बगैर बैठे हैं और बच्चों सहित अपने परिवार की महिलाओं सहित यहाँ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए, या तो ठेकेदार का ठेका निरस्त करो या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीएमओ को पाबंद किया जाए कि जो नियम के तहत कोई भी कार्रवाई है वो करके और इन सभी एम्बुलेंस धारियों को उचित दर पर जो सरकार चाहती है वही दर ये देने को दिए तैयार हैं। और इन्होंने कोरोना काल में सरकार की जिला प्रशासन की सहायता की है, निशुल्क जो मरीज थे उनको छोड़े थे और पुलिस कर्मियों के साथ भी जो डेड बॉडी थी उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम किया था। लेकिन आज इनकी अनदेखी इनके परिवार के लिए भारी पड़ रही है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इनको आश्वासन नहीं देकर इनकी रोजी रोटी के लिए आप कुछ व्यवस्था करें ताकि इनका परिवार चल सके। इनके बच्चे जो छोटे छोटे जो स्कूल जाने का समय है लेकिन आज ये सड़कों पर बैठे हैं अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। नारायण बिडिया सर, शिवसेना जिला प्रमुख नागौर। मेरे पापा है जो है ना यहाँ एम्बुलेंस का काम करते हैं, उनका यहाँ से रोजगार होता है और आपने यही रोजगार बंद ठेकेदारों को दे दिया तो हमारा रोजगार कहाँ चलेगा। नहीं तो आप हमारे लिए नया रोजगार का प्रबंध करिए, नहीं तो फिर हमारे लिए हम शांति से न्याय मांग रहे, नहीं तो हमें अहिंसा तो अपनानी पड़ेगी। इससे अच्छा आप हमें शांति से न्याय दे दीजिए। और हमें ये 10 दिन हमारे लिए इतने कठिन गए कि हमारे घर का कठिन स्थिति हो चुकी है। आप आज हमें खाने के लिए कहीं कहीं जाना पड़ रहा है, पता नहीं, और हमें उधार लेना पड़ रहा है। और ये हमें मांग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई हो और हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए और फिर हमारे रोजगार वापस हो। नहीं तो आप ये ठेकेदारों को देना चाहते हैं तो हमारा नया रोजगार प्रबंध कर दीजिए जल्द से जल्द। और जो ही हमारी वेतन है, नहीं तो मंथली 20,000 रुपये आप अपना द्वारा पकड़ा दिया करें। तो क्या ये प्रॉब्लम क्या है आखिर? हमारा हम बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे घर वालों की 10 दिनों से गाड़ी घर पे रह रही है। हाँ, एम्बुलेंस हमारे घर वालों की 10 दिनों से एम्बुलेंस रही है। उनका खुद का खर्चा है, उनके बच्चों का खर्चा है, वो कैसे निकालेंगे? सरकार को थोड़ा बहुत तो उनके बारे में सोचने चाहिए। 15 दिन हो गए, 15 दिन उसकी फैमिली में कैसे चल रही है कंडीशन उनको कुछ नहीं पता है।